जब भी हिंदी सिनेमा की लव स्टोरी के बारे में बात की जाएगी तो अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम सबसे पहले आएगा। दोनों ने मिस्टर नटवरलाल, सिलसिला, दो अनजाने, नमक हराम, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। एक दौर था जब कोई ऐसा अखबार या मैगजीन नहीं थी जिसमें दोनों के अफेयर के किस्से न छपते हों। लेकिन रेखा और अमिताभ ने कभी इस रिश्ते पर बात नहीं की। रेखा से अमिताभ का लिंकअप जया भादुड़ी से शादी के बाद हुआ था। 1973 में जया से शादी के कुछ सालों बाद ही रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरें छपने लगी थी। अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें सुनकर उन दिनों जया काफी परेशान रहने लगी थी। वह चाहती थी कि किसी तरह उनका हंसता खेलता परिवार बच जाए। वहीं दूसरी तरफ शादीशुदा आदमी से प्यार करने के अपराध के कारण रेखा विलेन बन गई थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि रेखा अमिताभ की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। एक दिन जब अमिताभ किसी शूटिंग के सिलसिले से मुंबई बाहर गए थे तो उस दिन जया ने रेखा को फोन किया। जया का फोन उठाते हुए रेखा सोच रही थी कि जया भला बुरा सुनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जया ने फोन करके रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया। रेखा सोच में पड़ गई। उनके साथ वो हो रहा था जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। रेखा जब डिनर के लिए जया के घर पहुंची तो जया ने उनका अच्छे से स्वागत किया। जया ने रेखा से ढेर सारी बातचीत की, लेकिन इस बातचीत में अमिताभ का जिक्र बिल्कुल भी नहीं था। डिनर के बाद जब रेखा घर लौटने लगी तो उन्हें अलविदा करते हुए जया ने एक खास बात कही जिसे सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जया ने दरवाजे पर रेखा से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन मीडिया में जया के डिनर और रेखा पर खूब किस्से चले, लेकिन ना तो जया ने कुछ कहा और ना ही रेखा ने मुंह खोला। जाहिर सी बात है, रेखा को लेकर अमिताभ और जया के बीच में कुछ ऐसा तो जरूर हुआ था जिसने अमिताभ को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया कि वो कभी रेखा के साथ काम नहीं कर पाए। सिलसिला अमिताभ बच्चन और रेखा के साथ में आखिरी फिल्म थी। दोनों के बीच अब इतनी दूरियां आ चुकी थी कि अगर असल जिंदगी में कभी वो एक दूसरे से टकरा भी जाते तो नजरें चुरा कर निकल जाते हैं, लेकिन दिल ही दिल दोनों आज भी एक दूसरे की इज्जत करते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।